सुप्रभात, मैं हूं महक। टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नजर। राजभर का विवादित बयान, कहा हमारे 4 विधायक भाजपा सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य। अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका, 2003 के मुकदमे में मिली जमानत निरस्त। पूर्व सीएम कमलनाथ की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। आरएसएस का इंफोसिस पर बड़ा हमला, कहा राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहयोगी है कंपनी। पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखा अलगाववादी नेता गिलानी का शव, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जेईई मेंस परीक्षा 2021 में धांधली पर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश में। अमेरिका में तूफान ईडा से अब तक 49 लोगों की मौत, कई इलाकों में पावर कट। खुलकर सामने आया पाकिस्तान, तालिबान सरकार के लिए दुनिया से मदद मांग रहा इमरान खान। रोहित शर्मा दोहरा शतक पूरा करने में नंबर 1, सहवाग सचिन काफी पीछे। यामी गौतम को फेयर एंड लवली बुलाना, फोटोग्राफर को पड़ा भारी, एक्ट्रेस ने लगाई जमकर क्लास। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स, रहे सुरक्षित और सतर्क।